अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है शाकिर मोहम्मद और आप देख रहे हैं एसटेक वर्ल्ड। आज मैं आपको बताने वाला हूं पांच ऐसे फ़ोन्स जो फरवरी के महीने में लॉन्च होने वाले हैं। यहां पे सबसे पहला फ़ोन निकल के आता है सैमसंग की तरफ से, सैमसंग गैलेक्सी A71। A71 की बात की जाए तो ये A70 का सक्सेसर है। यहाँ पर आपको अगर प्रोसेसर की बात की जाए, प्रोसेसर आपको मिलता है यहाँ पर स्नैपड्रैगन 730, 8 नैनोमीटर प्रोसेसर है। अगर यहाँ पर डिस्प्ले की बात की जाए तो डिस्प्ले आपको मिलता है सुपर एमोलेड डिस्प्ले, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर। अगर कैमरा की बात की जाए तो कैमरा यहाँ पे आपको क्वाड कैमरा सेटअप मिल जाता है। यहाँ पे 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर और 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर, 5 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर। अगर यहाँ पे बात की जाए बैटरी की तो यहाँ पे 45 mAh बैटरी मिल जाती है, 25 वाट्स का फास्ट चार्जर मिल जाता है। अगर इसमें बात की जाए बैटरी की तो बैटरी आपको 45 वाट्स का बैटरी मिल जाता है। अगर रैम और रोम की बात की जाए तो 8GB 128GB रैम और रोम मिल जाता है। यहाँ पे अगर दूसरा फ़ोन निकल के आता है सैमसंग की तरफ से, सैमसंग गैलेक्सी S10 Lite। यहाँ पे सैमसंग गैलेक्सी S10 Lite में आपको वही सुपर एमोलेड इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है। अगर यहाँ पे प्रोसेसर की बात की जाए तो प्रोसेसर आपको मिलता है एक्जीनोज 9810, ये 10 नैनोमीटर बेस चिपसेट है। अगर यहाँ पे रैम और रोम की बात की जाए तो यहाँ पे आपको 8GB 128GB रोम और रैम का सेटअप मिल जाता है। यहाँ पे अगर कैमरा की बात की जाए तो यहाँ पे आपको कैमरा 12 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, 12 मेगापिक्सल का टेलीस्कोप कैमरा और 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर आपको मिल जाएगा। अगर यहाँ पे आपको बात की जाए फीचर्स की तो यहाँ पे आपको फीचर्स में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर और बाकी सब सारे फीचर्स मिल जाएंगे। अगर यहाँ पे फ्रंट कैमरा की भी बात की जाए तो यहाँ पे आपको फ्रंट कैमरा पर 32 मेगापिक्सल का सेंसर मिल जाएगा। की जाए तीसरे फ़ोन की तो तीसरा फ़ोन आपको मिलता है ओप्पो की तरफ से, ओप्पो F15। ये ओप्पो F15 F11 का सक्सेसर है, F11 जो हमें पिछले साल देखने को मिलेगा। F15 की अगर बात की जाए तो यहाँ पे प्रोसेसर आपको मिलता है हेलियो P70। अगर डिस्प्ले की बात की जाए तो एमोलेड डिस्प्ले, इन डिस्प्ले पे फिंगरप्रिंट सेंसर आपको मिल जाएगा। अगर कैमरा की बात करें तो यहाँ पर भी आपको क्वाड कैमरा सेटअप मिल जाता है। यहाँ पे आपको अगर मेन कैमरा की बात की जाए तो मेन कैमरा यहाँ पे आपको 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर आपको मिल जाएगा। अगर यहाँ पे बैटरी की बात की जाए तो बैटरी यहाँ पे आपको मिलेगा 4000 mAh की बैटरी मिल जाएगी और यहाँ पे आपको 20 वाट्स का वूक चार्जिंग मिल जाएगा। अगर यहाँ पे अगर बात की जाए फ्रंट कैमरा आपको मिलेगा 16 मेगापिक्सल का। अगर यहाँ पे हम चौथे फ़ोन की बात करें तो चौथा फ़ोन हुआवे की तरफ से निकल गया आता है, हुआवे वाई सिक्स एस में आपको मिल जाता है यहाँ पे IPS LCD डिस्प्ले और उसके साथ आपको रैम और रोम की बात की जाए 33GB 32GB का रैम और रोम मिल जाएगा। और इसके अलावा अगर कैमरा की बात की जाए तो यहाँ पे बैक पे आपको सिंगल कैमरा मिलेगा सेटअप 13 मेगापिक्सल का, फ्रंट की तरफ आपको 8 मेगापिक्सल का कैमरा मिल जाएगा। यहाँ का अगर हम अपने पांचवें फ़ोन के बात करें तो यहाँ पे आपको हमारा पांचवा फ़ोन मिल जाएगा सैमसंग गैलेक्सी, सैमसंग की तरफ आता है सैमसंग गैलेक्सी A10। यहाँ पे अगर आप बात करें डिस्प्ले की तो डिस्प्ले यहाँ पे आपको TFT पैनल मिल जाएगा। और अगर यहाँ पे प्रोसेसर की बात करें तो स्नैपड्रैगन 435, ये वही प्रोसेसर है जो आपको रेडमी की तरफ से मिलता है रेडमी 8 में। अगर यहाँ पे रैम और रोम की स्टोरेज की बात करें तो यहाँ पे आपको रैम और रोम मिलेगा 12 2GB 16GB रैम और रोम मिलेगा। अगर कैमरा की बात करें तो बैक कैमरा आपको ड्यूल 13 मेगापिक्सल का मेन कैमरा होगा, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर। अगर फ्रंट कैमरा की बात करें फ्रंट पे आपको 5 मेगापिक्सल का कैमरा मिल जाएगा। अगर यहाँ पे हम बात करें बैटरी की तो बैटरी आपको मिलेगी 33 mAh की बैटरी मिल जाएगी। अगर चार्जर की बात करें चार्जर आपको